अच्छा, मैं क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात करने लगी हूँ, तो इसमें जो है सबसे पहले तो ये है कि कब कब होती है ये आफ्टर एन एक्यूट अटैक ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। इसके अलावा जो है हम फूड इस तरह करने गए या ऐसी जगहों पर काम कर गए जहाँ पे एक्सीडेंटल इंजेस्टन ऑफ आर्सेनिक हो सकती है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें यह कि इसकी फोर स्टेजेस होती है, न्यूट्रिशनल कैटारन स्किन रैशेस की स्टेज एंड नर्वस डिस्टर्बेंस वाली। अच्छा, अब जो सबसे पहले न्यूट्रिशनल ऑब्वियसली ये होगा नोजिया वॉमिटिंग डायरिया। इसके अलावा जो है लॉस ऑफ एपेटाइट एनोरेक्सिया एंड एमेसिएशन वीकनेस। ऑब्वियसली जब कोई लॉस ऑफ एपेटाइट है, कोई फूड इनटेक नहीं है, तो इसकी वजह से जो है वीकनेस हो जाएगी, एमेसिएशन हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है दैट इज कैटारन चेंज, मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है इस स्टेज में। अब म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा कहाँ पे है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आइज में, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस, रनी आइज एंड नोज, कफिंग, हॉसनेस ऑफ वॉइस, ब्रोंकाई में कैटारन चेंज आएगी, ये इसकी सेकंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज में जो है वो स्किन रैशेस की स्टेज है। स्किन रैशेस की स्टेज में है कि वेसिकुलर इरप्शंस होते हैं, नेटल रैश, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, मीज लाइन हाइपरकेराटोसिस। इसके अलावा जो है ना मीज लाइन है और साथ में जो है कि ब्रिटलनेस ऑफ नेल, मीज लाइन ऑन नेल्स एंड ब्रिटलनेस ऑफ नेल और लॉस ऑफ हेयर, ये सारा इस स्टेज में आता है। फिर जो थर्ड फोर्थ स्टेज है दैट इज नर्वस डिस्टर्बेंस। इसमें क्या होता है हमारे पास कि टिंगलिंग होती है एंड नमनेस, पेरेसिस एंड न्यूगाइटिस। और इसकी जो ये वाली स्टेज है दैट इज लाइक सिमिलर टू क्रॉनिक एल्कोहलिज्म है उसकी तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फैटी चेंज किस किस में, लीवर, किडनी एंड हार्ट में, बोन मैरो डिप्रेशन है। अच्छा, अब जो ट्रीटमेंट है ना वो हम करते हैं ये BAM के साथ। तो जो है ब्रिटिश एंटी न्यूजाइट है, ये याद रखना कि ये सारे जितने भी मिटागिक पॉइजन्स हैं ऑलमोस्ट सबका ही यही वो है एंटीडोट है। इसके अलावा आप वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं एंड सोडियम थायोसल्फेट। अब पोस्टमार्टम चेंजेस यही है कि स्किन चेंज जो हमने ये सारी देखी है, इसके अलावा जो है वीकनेस, अनीमिया, फैटी चेंजेस जो हैं, हेयर और बोन्स में जो चेंजेस आ गई हैं ये सारी पोस्टमार्टम में इसके आएंगे कि हेयर और बोन्स में जो है ना ये आर्सेनिक जो है एक्सक्रीट होता है और हेयर और बोन्स में ये एक्यूमुलेट करता है। तो यहाँ पे हेयर और बोन में हमें आर्सेनिक के ट्रेसेस मिल सकते हैं। इसमें जो है बोन में जो है ना फीमर, लॉन्ग एंड ऑफ फीमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ से जो है सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये पॉपुलर होमिसिडम है, इसके ऊपर आ जाता है कि वाई इट इज़ पॉपुलर होमिसिडम। तो इसकी जो रीजन्स है वो यही है कि ये चीप है। अब कोई भी जो आइडियल होमिसिडम, कोई भी पॉइजन हो तो उसका यही है, उसको चीप होना चाहिए, कंगा गैस, ऑर्डर गैस होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसकी जो सिम्टम्स है वो किसी क्रॉनिक डिजीज से मिले, जैसे इमेसिएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है इसकी लीथम डोज इज़ वेरी स्मॉल, 120 मिलीग्राम, और जो है कि इसके सिम्टम्स आफ्टर हाफ एन आवर नज़र आते हैं। तो उसके लिए जो पॉइजन दे रहा है वो पर्सन वो वहाँ उस सीन ऑफ क्राइम से मूव कर सकता है, तो ये एक आइडियल पॉइजन है। इसके अलावा जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें, मतलब कि इसके डिसएडवांटेज है उसमें ये है कि ये प्यूट्रीफैक्शन बहुत देर से होती है आर्सेनिक पॉइजनिंग में, ठीक है, और डजेंट डिटेरियोरेट, बहुत अरसे तक ये रहता है, और हीट डजेंट डिस्ट्रॉय इट। इसके अलावा जो ये नेल्स और हेयर्स में इसके ट्रेसेस मिल सकते हैं काफ़ी अरसे के बाद में। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि थोड़ा सा ये कि अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन में यही है कि जो टोंगेंस है कुछ जब क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है कुछ लोग जिनको उनको फिर जो है टोंगेंस हो जाती है, वो इंजेस्ट कर सकते हैं अप टू 250 मिलीग्राम, और उनको कहते हैं आर्सिनोफेजिस्ट। उसके अलावा अब्जॉर्प्शन जो है स्किन से भी हो सकती है, GI ट्रैक्ट, ये सारा कुछ। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन द लिवर है, उसके बाद कुछ स्टार्टिंग में, उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है आफ्टर अ फ्यू डेज जो है वो उसमें हेयर, नेल, स्किन, मसल, इन सब जगहों पे मिल सकती है। और एलिमिनेशन जो है यूरिन से हो सकती है, बाइंग, स्वेट, ये सब। और इसके अलावा जो यूजेज है ना उसमें ये है कि ये थोड़े से एक जनरल यूज़ कर लो, रैट पॉइजन है, प्रिंटर्स इंक, चिंगडन टॉयज, पॉन्ग पेपर्स, फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, तो ये एक जनरल यूज़ एक दो तीन चार कर लें। उसके अलावा जो है कि ये आइडियल होमिसिडम पॉइजन हो सकता है, ये होमिसिडम पॉइजन है। इसके अलावा अबॉर्ट इफिशियंट है, क्योंकि आर्सेनिक जो है अबॉर्शन स्टिक्स के एज एन पेस्ट अबॉर्शन स्टिक्स पे अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल केस हो सकता है कि पॉइजन मे बी च्यूड बाय चिल्ड्रन, और कैटंग पॉइजन भी है। तो ये अबॉर्ट इफिशियंट है, एक्सीडेंटल केसेस भी कुछ हैं, और कैटंग पॉइजन भी है एंड होमिसिडम भी है, और कुछ इसके जेन्युइन यूजेस है। अब जो है पोस्टमार्टम इंहिबिशन ऑफ